हम लोग लेसन 23 कर रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट सम है व्हिच इज टोटली डिफरेंट व्हाट इज आस्क्ड इन मार्च 2019। आप फोकस करिए पॉइंट नंबर 5 पे। अमाउंट ड्यू टू ई इज टू बी पेड इन कैश एंड कैश बैलेंस ऑफ 1000 इन न्यू फॉर्म इज टू बी मेंटेन्ड। फॉर दिस पर्पस एफ एन जी ब्रॉट कैश इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल्स प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब ये पॉइंट इस सम की खास पॉइंट है। ड्रॉ द लाइन्स फटाफट। रिवैल्यूएशन अकाउंट 8 लाइन्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10 लाइन्स, नेक्स्ट पेज पे कैश अकाउंट 4 to 5 लाइन्स, बैलेंस शीट 12 to 14 लाइन्स। लेट स्टार्ट। आपने सम रीड कर लिया होगा। फिक्स्ड एसेट्स पर एडजस्टमेंट है, स्टॉक पर एडजस्टमेंट है, गुडविल पर है। सबसे पहले ओल्ड गुडविल। तो भाई ओल्ड गुडविल को क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में? बिल्कुल सही, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड लिखेंगे टू गुडविल 1000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:3। सो 400, 300 एंड 300, करेक्ट? टू गुडविल 400, 300 एंड 300। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो आप अंदर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, करेक्ट? एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। स्टॉक पर एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। डेटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब डेटर्स पर एडजस्टमेंट नहीं है तो आप सीधा बाहर लिख सकते हैं। स्टॉक के बाद एक लाइन छोड़ देना डेटर्स के लिए, 9000, यू कैन राइट इट इन द आउटर कॉलम। कैश 400 बैलेंस है, कैश अकाउंट में 2 बैलेंस BD 400। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल। अब हमने एसेट साइड पूरा कर लिया। पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD 8000, 5000 एंड 2000। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व को क्या करते हैं? बिल्कुल सही, ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2000 को 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो बाय जनरल रिजर्व, तो 2000 × 4/10, 2000 × 3/10 एंड 2000 × 3/10, करेक्ट? कैलकुलेटर्स हैं आपके पास, राइट? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में लिख सकते हैं क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में, बिल्स पेएबल आउटर कॉलम में। बैलेंस शीट हमने कर ली। अब हम एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं। सबसे पहले फर्म की गुडविल दे रखी है। मैंने बताया था रिटायरमेंट में सबसे इजी पॉइंट होती है गुडविल की। जो बंदा रिटायर हो रहा है ई, उसका शेयर निकालिए। इज शेयर इन गुडविल 4000 × 4/10, जो पहला पार्टनर है वो ई है तो उसका रेशियो 4 है, 4/10 1600। दो एरोस बी डॉट आर डॉट। अब ई है तो नीचे लिखिए, एक एरो में एफ अकाउंट डेबिट, दूसरे में जी अकाउंट डेबिट। बेनिफिट रेशियो निकलता है। बेनिफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब एफ, न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो इसका एफ का 4/5, तो 4/5 माइनस ओल्ड रेशियो। व्हाट इज ओल्ड रेशियो एफ का? 3/10, करेक्ट? अब 50, हम तो क्या एलसीएम वैलसीएम नहीं लेते, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 × 4 = 40, बीच में माइनस तो माइनस डाल दिया। 5 × 3 = 15, 15, 20 − 15 इज 25/50। जी का शेयर, न्यू रेशियो 1/5, ओल्ड रेशियो इज 3/10, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स 50, 10 × 1 इज 10, बीच में माइनस की साइन। 5 × 3 = 15, 10 − 15 इज -5/15, नेगेटिव आ रहा है, बेनिफिट नेगेटिव है, मतलब सैक्रिफाइस।
तो एफ अकाउंट डेबिट नहीं होगा गया। तो अब कंफर्म है कि डेबिट होगा सिर्फ और सिर्फ एफ का कैपिटल। अब 1600 एफ में अपन ने लिख दिया। जी का गुडविल निकालेंगे क्योंकि नेगेटिव बेनिफिट आ रहा है, तो 4000 फर्म की गुडविल है इनटू 5/10, तो 400। अब एफ के अकाउंट में डेबिट साइड, एफ के अकाउंट में डेबिट साइड अब क्या लिखेंगे? बाकी दो पार्टनर्स का नाम, बाकी दो पार्टनर्स बचे कौन? ई और जी। तो एफ के डेबिट साइड आप लिखोगे टू इज कैपिटल, टू जी इज कैपिटल, और एफ के कॉलम में लिखोगे क्योंकि एफ के डेबिट साइड आना चाहिए। 1600 ई का है शेयर ऑफ गुडविल, जी का शेयर ऑफ गुडविल है 400 जो आपने अभी निकाला वर्किंग में, जी का और ये ई का। ओके, अब यहां पर आपने दे दिया डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। ओके, तो ई और जी में क्रेडिट इफेक्ट आना चाहिए, तो ई और जी के क्रेडिट साइड अब क्या लिखोगे? ई और जी हैं तो बाकी बचा कौन सा पार्टनर? बिल्कुल सही, एफ। तो आप लिखोगे यहां पर बाय एफ कैपिटल, ई के कॉलम में 1600, जी के कॉलम में 400। तो ये है गुडविल की पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट होती है रिटायरमेंट में गुडविल की पॉइंट। फिक्स्ड एसेट्स को अप्रिशिएट करना है 20%, यानी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है। तो हम 20%, 6000 का 20% होता है 1200, बढ़ा दिया, बाहर लिख दिया 7200, एडजस्टमेंट बनी 1200 की। दूसरा इफेक्ट आएगा 1200 का, ये आ गया डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1200, जितना फायदा हुआ उसी का डबल इफेक्ट आएगा। कुछ बच्चे बड़े बोले होते हैं 7200 का दे देते हैं, वो नहीं भाई, जितना एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, फिर फर्नीचर 20% बढ़ाओ, फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट, 20% बढ़ाओ, तो 800 प्लस कर दिया, 4000 का 20% निकाला, 800 प्लस कर दिया, 4800 बाहर, डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। करेक्ट, प्रॉफिट हो गया, रिवेल्यूशन में क्रेडिट साइड आ गया बाय फर्नीचर 800। गोइंग टू द नेक्स्ट, स्टॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक की ओवर वैल्यूड बाय 10%, ओवर वैल्यूड बाय 10%, पास्ट टेंस यूज कर रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू अगर मान लीजिए 100 है, तो हमने बुक्स में 10% ज्यादा दिखा दिया है, बुक्स में 110 दिखा दिया है, 10% ओवर वैल्यूड है। करेक्ट, पास्ट टेंस यूज किया है। बुक्स में बताई कीमत 6600 है जो बुक वैल्यू है, तो उसकी एक्चुअल कीमत कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, 6600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, कैलकुलेट ऑन, तो आपको एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 6000। इसका मतलब स्टॉक 6000 का है पर बुक्स में बताया हुआ है 6600, तो अब हमें स्टॉक की वैल्यू 600 कम करनी है, तो स्टॉक में से माइनस। ओके, माइनस किया, लॉस हो गया, ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक 600। ओके, तो ये अच्छी पॉइंट थी स्टॉक की। अब न्यू रेशियो दे रखा है, वो तो अपन ने बेनिफिट रेशियो निकाल दिया। अब बोल रहे हैं अमाउंट ड्यू टू ई इज टू बी पेड इन कैश, तो ई को जितना भी देना है उस कैश दे देंगे, रिवॉल्यूशन बंद कर देंगे। कैश बैलेंस 1000 मेंटेन करना है, तो कैश बैलेंस 1000 मेंटेन करना है, तो अभी हम कैश अकाउंट में बाय बैलेंस सी डी 1000, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। बैलेंस शीट में एसेट साइड यहाँ पे हम लोग कैश लिख रहे हैं 1000। अब वो कह रहा है कि ई को पूरा पैसा दे दो, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बंद करते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट का व्हिच साइड इज बिगर? क्रेडिट साइड इज बिगर, टोटल किया इधर गया, डिफरेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, ई एफ और जी बेयर करेंगे, ये प्रॉफिट है उनके अकाउंट में, क्रेडिट हो जाएगा 1400 को 4:3:3, 1400 इंटू 4/10 करेंगे तो 560 आएगा, 1400 इंटू 3/10 करेंगे 420 आएगा, एंड 420 दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आप लिख दोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 560, 420 एंड 420। अब रूल है जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट पहले बंद होगा, तो कौन रिटायर हो रहा है? ई। करेक्ट,
तो ई का अकाउंट बंद करें, क्योंकि इसको कैश दे देना ऐसा बोल रहा है, करेक्ट। तो टोटल करेंगे 10,960, इधर गया 10,960, इसमें से ये माइनस हुआ, जो डिफरेंस आया उसको कैश दे दीजिए 10,560 डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, कैश अकाउंट में बाय ईज कैपिटल 10,560। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर दिस पर्पस एफ एन जी ब्रॉट कैश इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन, कैपिटल प्रपोर्शन में होना चाहिए, कैपिटल शुड बी इन प्रपोर्शन। ओके, सो यू कैन नॉट जस्ट डू द टोटल्स और ये टोटल यहाँ गया तो भैया जो आंसर आएगा वो प्रपोर्शन में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेहरबानी करके अब एफ और जी का टोटल मत करो, क्योंकि एफ और जी का कैपिटल प्रपोर्शन में होना चाहिए। इस पॉइंट के कारण, क्योंकि प्रपोर्शन में होना चाहिए, हम अब जा रहे हैं बैलेंस शीट पे। हम बैलेंस शीट बंद करते हैं क्योंकि एसेट साइड तो कंप्लीट ही है, देखिए कुछ भी नहीं बचा, करेक्ट। ये इधर ले गए, इसमें से ये दोनों चीजें माइनस करी तो बचेगा क्या, कैपिटल। ई का लोन तो है नहीं क्योंकि उसको तो सब निपटा दिया, तो एफ और जी न्यू रेशियो दे रखा है 4:1, चेक करिए न्यू रेशियो दे रखा है, करेक्ट 4:1। तो अब जो भी कैपिटल आएगा 28,000 माइनस 10,000 18,000, वो 4:1 में होगा। तो 18,000 इंटू 4/5 करेंगे तो 14,400, 18,000 इंटू 1/5 करेंगे तो 3,600। तो ये दे दिया अपन ने क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस सीडी, एफ में 14,400 और जी में 3,600। अब आप एफ और जी का कैपिटल बंद करें, व्हिच एवर साइड इज बिगर यू टू क्लोज दैट फर्स्ट। सो एफ का डेबिट साइड बड़ा है, सो यू विल टोटल दैट 16,700, इट गोज दिस साइड 16,700, ये माइनस करेंगे तो एक आंसर आएगा 10,680। ये आएगा बाय कैश, मीन्स ही हैज टू ब्रिंग 10,680 कैश अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल। एफ की कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखा बाय कैश, कैश के डेबिट साइड टू एफ कैपिटल 10,680। सिमिलरली आप अभी जी का अकाउंट क्लोज करें तो जी का भी कोइंसिडेंटली डेबिट साइड बड़ा है, करेक्ट। 3,900 गोज दिस साइड 3,900, उसमें से ये चीजें माइनस करिए, करेक्ट, डिफरेंस 480। जी में लिखा बाय कैश, कैश में लिखेंगे टू जी इज कैपिटल और कैश अकाउंट स्क्वाड अप होना चाहिए, इसका टोटल और इसका टोटल स्क्वाड अप होना चाहिए, बैलेंस नहीं रहना चाहिए क्योंकि बैलेंस हमने ऑलरेडी 1,000, देसी भाषा में टैली होना चाहिए कैश अकाउंट, करेक्ट, एंड मोर स्पेसिफिकली इस कैश अकाउंट स्क्वाड अप होना चाहिए। अब ये तो सम हो गया, अब कुछ लोग इस सम को मार्च 2019 से कंपेयर करते हैं, दिखने में पूरा सेम पर फिफ्थ पॉइंट में जज्बात बदल जाएंगे, है ना। एफ एंड जी ब्रिंग्स कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन इन सच अ मैनर दैट ई हैज टू बी पेड ड्यूज एंड 2,000 रिमेन इन द वर्किंग कैपिटल। कहीं भी नहीं बोल रहा है कि कैपिटल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जबकि इस सम में वो लिटरली बोल रहा है कि कैपिटल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ओके, फॉर दिस पर्पस, तो ध्यान रहे दोनों सम्स अलग अलग हैं, उसको मिक्स मत करें, करेक्ट। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ईएफजी का मार्च 2019 का लैंडमार्क सम है, जिसमें अपन ने कैश अकाउंट बंद किया था अगर आपको याद हो तो, करेक्ट। तो ये टोटल किया था, ये इधर गया, उसमें से माइनस किया, जो आंसर आया उसको इक्वल प्रपोर्शन में लेकर आए थे, कैपिटल प्रपोर्शन में नहीं थे, जो डिफरेंस था वो प्रपोर्शन में लेकर आया, कैपिटल प्रपोर्शन में नहीं था। आप देखिए इनका कैपिटल कोई प्रपोर्शन में नहीं है, मतलब लाइक स्पेसिफाइड प्रपोर्शन न्यू रेशियो में नहीं है, हमने बैलेंस शीट बंद नहीं करी थी इसमें पहले। तो मेहरबानी करके ये दोनों सम्स अलग अलग हैं, दोनों सम्स देख के जाना, रिपीट हुआ मार्च 2019 का तो बहुत अच्छा है, करेक्ट। पर अगर मान लीजिए इलस्ट्रेशन 23 आता है तो कुछ बच्चे ऐसा ना समझे कि यार ये तो मार्च 2019 वाला सम है, तो प्लीज गो थ्रू दिस सम, इट्स अ वेरी गुड सम, फिफ्थ पॉइंट इज अ गुड सम, सो प्लीज डू दैट बिफोर एग्जामिनेशन, करेक्ट। हमने क्या किया मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, बैलेंस शीट का टोटल किया, इधर गया डिफरेंस आया 18,000 डिफरेंस आया, उसको 4:1 में डिवाइड कर दिया, वो लेकर गए अपन पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ
फिर अपन ये टोटल किया, ये गया इधर डिफरेंस आया, इसका टोटल किया, ये गया इधर डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस लेकर गए कैश अकाउंट में, और कैश अकाउंट स्क्वाड अप हो गया। आई होप दिस इज लाइक क्वाइट गुड एक्सप्लेनेशन, और आपको समझ में आया होगा। विश यू गुड लक।